अस्सलाम वालेकुम हुजूर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। हुजूर मेरा नाम नासिर राजपूत है और मैं जर्मनी से आया हूँ। मेरे तीन सवाल हैं अगर इजाज़त हो। हुजूर मेरा पहला सवाल यह है कि आज़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ बयान फरमाया है उसकी बुनियाद किसी न किसी कुरानी आयत में मिल जाती है। ठीक है। इस सिलसिला में आज़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मत मोहम्मदिया के 73 फ़िरकों में उनकी तकसीम का जिक्र फरमाया है, इसके मुतल्लिक कोई इशारा कुरान पाक में मिलता है? कुरान करीम में मैं गौर करता हूँ, लाजमन कुरान करीम में इशारा होगा। मसीह की आमद का कुरान करीम में जिक्र है, मसीह की आमदेसानी का, और मसीह की आमदेसानी के मुतल्लिक फरमाया है वो मिसाल होगा क़यामत की, यानी जब इनकलाब की घड़ी आएगी तो वो उसकी मिसाल होगा। तो इसको तमाम उलमा मानते हैं कि मसीह की इलामत है ये, और मसीह आया था यहूदियों के इख्तलाफ़ मिटाने के लिए और यहूदियों की फ़िरका बंदियाँ बंद करने की खातिर, और उसने आखिरी फ़िरका बनाया था अपना। तो यही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई है कि जब वो मसीह आएगा तो 72 के 72 फ़िरके नारी होंगे और एक फ़िरका नाजी होगा जो उस मसीह का बनाया हुआ फ़िरका होगा। अभी हमारा यौम मसाजिद था जर्मनी में 3 अक्टूबर को, तो वहाँ एक अखबारी नुमाइंदे ने सवाल पूछा था कि आपकी जमात में और जो दूसरे गैर अहमदी मुसलमान उनमें क्या फ़र्क है। तो उसमें वो फिर हदीस का जब हवाला दिया गया उसने फौरन फिर ये सवाल किया कि क्या इस हदीस का इस बात का कुरान पाक से कोई जदा करना।